वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक जबरदस्त धमाकेदार वीडियो के साथ में। जी हाँ, सेल्फ स्टडी को लेकर बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं और बच्चा प्रॉपर अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। नोट्स पे काम अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, रिवीजन नहीं कर पा रहा नोट्स का, प्रैक्टिस बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो सिलेक्शन कैसे? तो इन सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे प्रॉपर एक प्लान के साथ में, और हर एक डाउट को मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले सेल्फ स्टडी एक वो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आप टीचर के साथ मिलकर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जब तक खुद से काम नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। तो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक टीचर के साथ मिलकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका सेल्फ स्टडी है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि वो टीचर के साथ पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर ली, सर मैंने आपकी क्लासें कर ली, सर मैंने आपके आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस कर ली, लेकिन जब मैं पूछूं कि आपने कितना किया, खुद से कितना किया, तो उस बच्चे के पास कोई जवाब नहीं है। एक ही जवाब है, सर मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। लेकिन चीज़ों को प्रॉपर प्लान के साथ में अगर आप लेके चलोगे तो आपको इस सवाल का ज़रूर जवाब मिलेगा कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करें, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज होगी इस वीडियो में, जो प्लान आपको दिया जा रहा है या तो आप उसको फॉलो करेंगे या फिर आप अपने हिसाब से तैयारी करेंगे, डिसाइड आपको करना है। हाँ, ये जो चीज आप लेके चल रहे हो इसमें हर एक बिंदु को क्लियर आपका किया जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेल्फ स्टडी को लेकर, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को लेकर, इसके लिए एक फिक्स शेड्यूल होगा, एक प्रॉपर टाइम होगा जहां पर आपको वो काम करना ही होगा। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन एक हैबिट आपके अंदर अगर क्रिएट होती है 10 से 15 दिन में, देन ये चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि तब आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा। और दो चीज़ एक साथ होगी, एक आपका हैबिट हो गया, एक आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो बहुत इजीली आप इन चीज़ों को रेक्टिफाई कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी में सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप कॉन्सेप्ट कैसे तैयार करें, कॉन्सेप्ट पे काम कैसे करें। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रैक्टिस, और तीसरा सेल्फ स्टडी। ये जो दो चीज ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, ये है आपकी टीचर के साथ में मिलके तैयारी करने की, क्योंकि सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है तो आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए जिस लेवल पे आपका पेपर बनता है। और उम्मीद करता हूं कि इसमें आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, प्रॉपर आपका एग्जाम लेवल जो है वो गाइडेंस आपको मिलना चाहिए। इसके लिए आप उस लेवल पे टीचर के साथ जुड़ के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो टीचर के साथ मिलके, और फिर टीचर के साथ मिलके आप प्रैक्टिस करो। ये दोनों चीज आपकी क्लियर हो गई। अब जो तीसरा बिंदु है, जो आपके भरोसे है, लेकिन आप उस भरोसे को अगर तोड़ते हो तो दिल टूटेगा पक्का, रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। और अगर रिकॉर्ड तोड़ना तो एक बार यहीं पे वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख देना, सर मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा, और यहीं से वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर रिकॉर्ड तोड़ने की बात हुई है तो एक बहुत बड़ी बात है आपके एंड से और मेरे एंड से, क्योंकि रिकॉर्ड टूटेगा मतलब सिलेक्शन पक्का है। तो एक बार लाइक बटन पे प्रेजेंट जरूर लगा देना। सेल्फ प्रैक्टिस की बात करें, खुद से प्रैक्टिस करें। सेल्फ प्रैक्टिस में क्या चीजें हो, सेल्फ प्रैक्टिस में आपका कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन हो, सेल्फ प्रैक्टिस में आपका कॉन्सेप्ट जो नोट्स है उनका भी बात करूंगा, सेल्फ प्रैक्टिस में आपका प्रैक्टिस भी हो। सेल्फ जो प्रैक्टिस है उसमें आप क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस भी करो और आप नोट्स में भी प्रैक्टिस करो, नोट्स को याद भी करो। अब नोट्स की जब बात होती है, नोट्स की जब बात होती है तो बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि वो नोट्स लिखें, और बच्चे के दिमाग में ये भी होता है कि अगर मैं नोट्स को लिखता हूं तो मैं याद कर लूंगा, वो मुझे याद हो जाएगा, क्योंकि लिखने से याद होता है। और बात मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, एक डेफिनेशन जो चार लाइन की डेफिनेशन है आप उसको कॉपी में लिख रहे हो लाइन टू लाइन, और एक उस डेफिनेशन को आप याद कर रहे हो रफ कॉपी में, डॉक्टरी लैंग्वेज में फटाफट या बोल के याद कर रहे हो। आप इस मेहंदी को बनाने में जितना टाइम लोगे उतने में डेफिनेशन क्लियर करके चले जाओगे। हाँ, और एक चीज और, जो आप कहते हो कि लिखने से याद होता है, आप जो मेहंदी बना बना के लिखोगे उसी को अगर रफ कॉपी के साथ में स्पीडली जो चीज बोलनी होती है बोलो, जो लिखनी होती है उसको लिखो, लेकिन रफ कॉपी के साथ में, तो आपको बहुत ज्यादा
हेल्प मिल जाएगी, एज इट इज चीजें आपकी तैयार हो जाएगी। कुछ बच्चों को लगता है कि मैं क्लास के दौरान ही नोट्स लिख लेता हूं। एक सवाल मेरा उनसे कि जो बच्चा क्लास के दौरान नोट्स लिखता है, एक दिन आप केवल क्लास पे फोकस करो और एक दिन आप नोट्स के साथ में क्लास करो, दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। जिस दिन क्लास पे फोकस है, पूरा कंटेंट दिमाग में छप जाएगा और वो कॉपी पेपर में नहीं जाएगी, दिमाग जाएगा पेपर में। तो दिमाग में कंटेंट छापना जरूरी है। इसके लिए आप जो नोट्स हैं उनको रिकॉल करें। एक घंटे की क्लास 60 मिनट की क्लास है, आप उन नोट्स को 15 से केवल 20 मिनट देंगे। मेरे जो प्लान की बात कर रहा हूँ वो केवल 15 से 20 मिनट में आप अपने कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज करेंगे विथ रफ कॉपी के साथ में। कोई फॉर्मूला, कोई इक्वेशन, कोई डेफिनेशन बोलो नहीं याद हुई, एक बार लिख लो, लेकिन वो दिमाग में छपनी चाहिए। 15 से 20 मिनट जो आपकी 50 से 55 मिनट की क्लास है वो रिकॉल हो जानी चाहिए। और ये आपके एज इट इज आपका जो नोट्स है वो नोट्स बेच में आपको अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो आप मेहंदी बना रहे हैं, जो कॉपी बड़ी सी बना के आप रख रहे हैं, वो आपको जरूरत नहीं है। उसके बजाय उसको दिमाग में स्कैन करने की जरूरत है, दिमाग में याद करने की जरूरत है। तो नोट्स वाला काम तो हो गया, लेकिन दूसरा आता है जो आपका, वो है आपका खुद की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में एक सबसे बड़ी गलती, और अगर कोई बच्चा अब तक कर रहा था तो एक बार कमेंट में लिख देना, क्या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी लाइव क्लास होती है उस वीडियो के नीचे उसका सॉल्यूशन भी सेव होता है, और बच्चा जैसे कॉन्सेप्ट नोट्स का रिवीजन करता है वैसे बच्चा क्वेश्चन का भी रिवीजन करता है। बच्चे की स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है और फिर उसके नीचे उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है, तो बच्चा ऐसे पढ़ता है जैसे जीके पढ़ रहा हो, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहा हो, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन देखने के बाद उसको ऑटोमेटिक आंसर दिख गया, और अगर वहीं पे आंसर नहीं होता तो दिमाग पे जोर पड़ता, बच्चा दिमाग पे जोर डाल ही नहीं रहा। बच्चा जैसे नोट्स पढ़ रहा है वैसे ही न्यूमेरिकल पढ़ रहा है, और जब पूछे तो सर मेरे को न्यूमेरिकल आ नहीं रहे, सेल्फ से बच्चे की प्रैक्टिस ही नहीं है। पहले सामने बच्चे का क्वेश्चन हो एज ए मॉक टेस्ट, एज ए एग्जाम पैटर्न, फिर बच्चे के सामने चार ऑप्शन हो और सॉल्यूशन करे और फिर राइट ऑप्शन लगाए और फिर आगे बढ़े, करके देखो, कॉन्फिडेंस की मैं गारंटी देता हूं। और जो सवाल नहीं आएगा उसको दिमाग पे जोर पड़ेगा, सोचने पे मजबूर आपको करेगा, आप सोचेंगे कि मैं इसका क्या आंसर कर सकता हूं। जब आपके सामने ऑटोमेटिक आंसर आ गया तो दिमाग सोचेगा ही नहीं। सही बता रहा हूं, ये चैलेंज है मेरा, इस बात को आप अपने दिमाग में इस बात को रख लेना, बहुत बड़े लेवल पे ये चीज इंपैक्ट करती है और इस पे आपको काम करने की जरूरत है। तो ये चीज आपकी क्लियर है, ये चीज आपकी कंफर्म है कि इस पे आपको काम करना है, सेल्फ प्रैक्टिस पे आपको काम करना है, सेल्फ रिविजन पे आपको काम करना है, और ये चीज मॉक टेस्ट में आपको हेल्प करेगी। तो दोनों चीजों का सोल्यूशन मैंने, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट और आपका नोट्स। दूसरी चीज, आपको नोट्स को रिवीजन लगाना है 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट आपका मॉक टेस्ट और 15 से 20 मिनट आपका सेल्फ, जो आपका मिक्स प्रैक्टिस है वो। अगर मिक्स प्रैक्टिस नहीं है तो मैक्सिमम 40 मिनट में आपके दोनों चीज क्लियर होगी, रिवीजन में प्रैक्टिस भी होगी और आपका रिवीजन भी हो गया। लेकिन इससे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन जो पहले दिन से आप तैयार करो, और उसके लिए हमारी टीम ने आपको डेडिकेटेड हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में 11 चैप्टर कंप्लीट, 11 CPP यानी चैप्टर प्रैक्टिस पेपर टीम ने दे दिए हैं, और 2 SPP सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर। इंग्लिश की बात करें 5 CPP और यहां पर 1 SPP। टेक्निकल मैथ्स की बात करें 10 CPP, 10 चैप्टर के 10 CPP। ये कभी भी लाइव क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए विद सॉल्यूशन टीम दे रही है, और ये सारा कंटेंट आपका नोट्स बेच का है जो वहां पर आपको अवेलेबल है। जनरल मैथ्स में 9, रीजनिंग में 9, GK GS में 7, करंट में 1, और ये आपके SPP यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये नोट्स बेच का एडवांस फीचर आपका यहां पर अवेलेबल है, और ये प्रैक्टिस आपके लिए है, आपके लिए। ये लाइव बेच की क्लास नहीं है, ये नोट्स बेच में एडवांस फीचर CPP आपको मिल रहा है, और ये प्रत्येक बच्चा सॉल्व करेगा। वादा कर दो कमेंट में कि सर मैं आपका सॉल्व करके आपको दूंगा, और ये आज सभी ये वीडियो देख रहे होंगे तभी अपने आप से प्रॉमिस करेंगे, हर चैप्टर का
एक एक सीपीपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो आप लगाएंगे, ये आपका नोट्स बैच है, हर चैप्टर का सीपीपी मिलेगा, एसपीपी मिलेगा और यूट्यूब क्लास के नोट्स यहां पर आपको मिलेंगे, नोट्स बैच में आपको अवेलेबल है। अब आप ये कह सकते हो कि सर आपने जो प्लान दिया है उसमें नोट्स बैच में ज्वाइन नहीं कर रखा हूं, तो मैं एक बात बताऊंगा बेटा, टाइम का प्रॉपर प्लान अगर आपको चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए बेटा, टाइम को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है, आपको टाइम को बचा के सेल्फ पे लगाना है, सेल्फ प्रैक्टिस पे उसको यूज करना है, तो बेटा बहुत ज्यादा एडवांस आपको बेनिफिट यहां से मिलेगा नोट्स बेस से। और जो लाइव क्लास बच्चा मिस कर रहा है वो तो पहली स्टेप पे ही अपने आप को बैक कर रहा है, नोट्स बेच के साथ साथ में लाइव बेच का जो प्रैक्टिस है वो यहां पर आपको मिलेगा लाइव बेच में, लेकिन जुड़ के टीम के साथ मेहनत आपको करनी है। कोई डाउट अगर आपका रह गया हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, मैसेज करना, लेकिन ये जो टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको दिया है इसको आपको प्रॉपर क्या करना है, तैयार करना है और उस पर आपको काम करने की जरूरत है। एक कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर, हो सके तो लाइक कर देना, नए बच्चे आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।